हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ खमन ढोकला, वो भी अपने स्टाइल में और एकदम स्पंजी वाला। तो आइए मेरे साथ। मैंने पहले एक पतीले को गर्म करने के लिए रखा है, जिसमें मैं पानी डाल रही हूँ और इसे मैं हीट करने के लिए रख रही हूँ कुछ टाइम के लिए, और हम ढोकला इसी पे बनाने वाले हैं विदाउट ओवन। तो देखिएगा, अभी मैं ले रही हूँ एक कटोरा बेसन, जिसे मैं छान लूँगी अच्छे तरीके से। एंड छानने के बाद वही कटोरा के नाप से हम लेंगे बाकी सामान। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से छान लिया है। अब मैं जो कटोरे में बेसन लिया था उसी का 1/4 मैं दही लूँगी, एंड बाकी जो बचा उसमें मैं पानी डालूँगी। पानी डाल के मैं उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी कि उसमें दही का जो दानेदार होता है वो ना रहे और वो पूरा प्लेन लिक्विड बन जाए। देखिए इस तरीके का। अब इसे हम अच्छे तरीके से फेटेंगे, जैसे मैंने बोला कि इसमें दानेदार नहीं होना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए, चिकना पानी रहना चाहिए पूरा। तो हमें इसे अच्छे तरीके से फेंट ली है। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल, और फिर उसमें डालेंगे हम हल्दी 1/2 टेबल स्पून। तो देखिए, अभी हमने डाल दिया तेल, और अब 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और 2 टेबल स्पून शुगर, और 1 टेबल स्पून नींबू सट। इसे डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें डालेंगे हल्का सा नमक। हल्का ही डालना है नमक, क्योंकि आगे भी हम बैटर में डालेंगे। सो देखिए, अब इसी वो पूरा मिक्स कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाल के इसे अच्छा सा घोल बना लेंगे। थोड़ा थिक घोल रखना है, ज़्यादा थिन भी नहीं करना है, ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, नॉर्मल। अब जिसमें हम बनाने वाले हैं ढोकला, उसे मैंने अच्छे तरीके से तेल लगा के रख दिया है। आपके पास जो भी बर्तन हो उसमें आप अच्छे तरीके से तेल लगा के उसे रख दीजिए। इस पे अभी हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच खाने का सोडा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून इनो। इसे मिला के हम अच्छी तरीके इसे मिक्स करेंगे हम अच्छे तरीके से। और देखिए किस तरीके से पूरा फर्मेंट हो चुका है। और इसे तुरंत मिक्स करने के बाद हमने जिस बर्तन में तेल लगा के रखा, तो उसमें हम इसे डाल देंगे। तो देखिए, अब इसे हम पूरा पलटा रहे हैं, और पलटाने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम इसमें डाल देंगे, और देन तुरंत ही इसे बेक करने के लिए रख देंगे, जो बर्तन हमें हीट करने रखा हुआ था। तो अब हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम डालने वाले हैं सांभर, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची। तो देखिए, हमने 2 टेबल स्पून तेल डाला है एक बर्तन में, जिसमें हम अभी तड़का देने वाले हैं। देन उसमें डाल रहे हैं हम राई। राई जितना ज़्यादा आप डालोगे तो अच्छा है। देन उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हींग, और फिर हम डाल रहे हैं हरी मिर्ची। हरी मिर्ची थोड़ा तड़क जाए उसके बाद डालेंगे हम कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालेंगे, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें हम डाल रहे हैं फिर 2 कप पानी। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हमने डाल दिया था इसमें पानी, तो हम डाल रहे हैं अभी हल्का सा नमक। हमने पहले भी डाला था तो देख के डालिएगा। देन उसमें डाला है नींबू सट और 3 टेबल स्पून शक्कर। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए किस तरीके का उबाल आ गया है। तो वो तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब देख लेते हैं ढोकला। ढोकला भी हमारा पक चुका है, तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद कट कर लेते हैं। कट करने के बाद जो हमने तड़का रेडी करके रखा है, उसे अच्छे तरीके से हम इसमें फैला देंगे, ताकि वह अच्छी तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और ढोकला अच्छी तरीके से इसमें भीग जाए। भीग जाने के बाद इसे थोड़ा देर, मतलब 5 मिनट के लिए रख दे, और देन उसके बाद फिर हम डालते हैं इसमें सांभर, और फिर डालेंगे हल्का सा खोबरा किस, जो फ्लेवर के लिए आए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।